हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेफ्टी किट टैबलेट के बारे में। इस किट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है जिससे आपका सफलतापूर्वक गर्भपात हो सके, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है यानी ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है, इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और इससे होने वाले कई तरह के नुकसान से, साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस किट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस किट में 5 टैबलेट होती हैं। जो बड़ी वाली टैबलेट है ये मेफीप्रिस्टोन की टैबलेट है, बाकी जो 4 टैबलेट हैं ये मीजोप्रिस्टोल की हैं। कंपनी के बारे में बात की जाए तो जनानी कंपनी द्वारा इसको मार्केटेड किया जाता है, और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 425 रुपये इसका प्राइस है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस किट का इस्तेमाल या सेप्टिक किट टैबलेट का इस्तेमाल अबॉर्शन के लिए किया जाता है, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। ये 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, इसलिए 63 दिन तक की ही प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका गर्भपात सफलतापूर्वक हो सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस किट में 5 टैबलेट होती हैं, तो आपको बड़ी टैबलेट से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको बड़ी टैबलेट खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेनी है। ये आपको ओरली लेनी है, आपको डायरेक्ट पानी के साथ ही लेनी है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको 48 घंटे बाद बाकी 4 टैबलेट लेनी है, जो कि मीजोप्रिस्टोल की हैं। ये मीजोप्रिस्टोल की 4 टैबलेट आपको एक साथ या तो पानी के साथ लेनी है या जीभ के नीचे डिजोल्व कराकर लेनी है। आप चाहें तो 4 एक साथ डिजोल्व करा सकते हैं या आप 2 सुबह 2 शाम को करा सकते हैं, लेकिन आपको पहली टैबलेट लेने के बाद यहाँ पर 48 घंटे का गैप जरूर रखना है। 48 घंटे बाद ही आपको ये 4 टैबलेट लेनी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब हम जान लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये टैबलेट कैसे काम करती है। जो मेफीप्रिस्टोन की टैबलेट है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है, उसके प्रोडक्शन को रोकती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या रुक जाता है तो यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है, यानी बच्चादानी की लाइनिंग टूट जाती है। लाइनिंग टूटने से प्रेगनेंसी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जब छोटी 4 टैबलेट ली जाती हैं जो कि मीजोप्रिस्टोल की होती हैं, जब मीजोप्रिस्टोल की ये 4 टैबलेट ली जाती हैं तो ये क्या काम करती हैं, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने से जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है, प्रेगनेंसी का मटेरियल होता है, वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किसी को नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, दस्त लगने की समस्या हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, और किसी किसी महिलाओं को फीवर आने की समस्या भी हो सकती है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली, ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, हमेशा आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी, 20 दिन से कम दिन की प्रेगनेंसी में ये टैबलेट कभी कभी काम नहीं करती है, इसलिए 20 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में ये टैबलेट काम तो करती है, लेकिन आपको 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में ये टैबलेट यूज़ की जाती है तो
इनकम्प्लीट अबॉर्शन का रिस्क रहता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब आपका अबॉर्शन कम्प्लीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, 63 दिन तक की ही प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना। मैंने पिछली वीडियोस में आपको अनवांटेड किड और मेफीजेस्ट किड का टैबलेट के बारे में भी बताया है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, पूछे हैं कि जो भी अबॉर्शन किट होती हैं, चाहे वो अनवांटेड किट हो, चाहे वो मेफीजेस्ट किट हो, चाहे सेप्टिक किट हो, एमटीपी किट हो, जो भी अबॉर्शन पिल्स होते हैं, उनको लेने के बाद ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है। कई महिलाओं के ये सवाल हैं, कई लोगों ने इसके बारे में पूछा है। तो आपको बता दूँ, कोई भी अबॉर्शन पिल होती है, जब वो पिल ली जाती है, जो बड़ी उसमें टैबलेट होती है मेफीप्रेस्टोन की, उस टैबलेट को लेने के बाद आपको कोई भी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, ना ही आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं। जब 4 जो छोटी टैबलेट ली जाती है मेजोप्रेस्टोल की 4 छोटी टैबलेट लेने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और ये ब्लीडिंग 2 घंटे से लेकर आपको 24 घंटे के बीच में कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबॉर्शन किट लेने के बाद नेक्स्ट पीरियड कब आता है। तो गर्भपात के बाद आपका नेक्स्ट पीरियड जो आता है, वो आपका 28 से 45 दिन के बीच में हर हाल में आ जाता है, और ये पीरियड जो है आपके इरेगुलर रहते हैं। किसी महिलाओं को पहले भी आ सकते हैं, किसी महिलाओं के लेट भी हो सकते हैं, और ये कंडीशन आपकी 2-3 महीने तक रह सकती है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबॉर्शन किट लेने के बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो तो क्या करें, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ब्लीडिंग ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई गलत तरीके से किट का इस्तेमाल किया है, या गलत टाइम पर लिया है, या कोई एक्सपायरी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, या कोई लोकल ब्रांड का इस्तेमाल किया है, या प्रेगनेंसी नहीं थी फिर भी आपने इस किट का इस्तेमाल किया है। तो इसके ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी फिर भी आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो आप 1 हफ्ते का इंतज़ार करें। 1 हफ्ते बाद आप फिर से इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबॉर्शन किट लेने के बाद कैसे पता करें कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ इसके लक्षण बताता हूँ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताऊँ, जब भी आप इस किट को लेते हैं या कोई भी अबॉर्शन किट लेते हैं, अगर आपकी ब्लीडिंग 1 हफ्ते के अंदर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका गर्भपात सफल हो गया है, आपका सफलतापूर्वक गर्भपात हो चुका है। लेकिन यदि यही ब्लीडिंग आपकी 1 हफ्ते से ज़्यादा रहती, 2 हफ्ते रहती, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती, या रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है, इसका मतलब ये है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। क्योंकि इस कंडीशन में जो महिला की यूट्रस होती है, उसके अंदर कुछ टुकड़े रह जाते हैं, पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाते, जिसके कारण ये ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, रुकती नहीं है। तो ये एक लक्षण होता है कि आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है। इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर्स हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलना चाहिए। तो ये थी जानकारी सेप्टिक किट टैबलेट के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है, तो आप उनको कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।